नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि मेगास्टार चिरंजीवी एक मलयालम फिल्म लूसीफर का रीमेक करने जा रहे हैं। ओरिजिनल फिल्म में और कोई नहीं बल्कि महान कलाकार मोहनलाल थे। फिल्म बहुत अच्छी चली थी। यह मलयालम सिनेमा की पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई। और अब विचार ये उठ रहा है कि इस फिल्म के अंदर दरअसल तीन मुख्य किरदार हैं हीरो के साइड के। पहला किरदार जिसे मोहनलाल ने प्ले किया था, दूसरा किरदार पृथ्वीराज का है जो कि फर्स्ट पार्ट जो है लूसीफर का उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन अच्छा रोल है, और तीसरा रोल है जो रोल किया है टोविना थॉमस ने, और वो रोल जो है मोहनलाल के प्रोडिजी का या मोहनलाल के छोटे भाई के एक तरह का एक किरदार है। एग्जैक्टली छोटा भाई नहीं है। और अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये दो रोल जो हैं, क्या इन दो रोल्स में हम दो और मेगा स्टार्स को देख सकते हैं? अगर चिरंजीवी लूसीफर का रोल प्ले कर रहे हैं तो क्या एक रोल के लिए जो है अल्लू अर्जुन और दूसरे रोल के लिए रामचरण आ सकते हैं? अगर वैसा हो जाता है तो ये फिल्म अपने आप में 300 करोड़ की फिल्म बन जाएगी, इस बात की गारंटी रखिए आप, क्योंकि तब इस फिल्म को जो है पैन इंडिया रिलीज़ भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपका क्या विचार है इसके बारे में, सोच करके बताइएगा ज़रूर, और कमेंट भी लिख दीजिएगा उसके बारे में। चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।